कपल्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो निराश हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेरे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड। वहाँ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर मैंने बातें की हैं। बहुत सारे लोगों का कंसीव हुआ है, आपका भी कंसीव होगा, तो निराश हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल, आसान लैंग्वेज में, हिंदी में आसानी से समझाने वाली हूँ कि इस चीज़ का क्या मतलब होता है, किस तरह से आपके बेबी को कंसीव किया जाता है जल्दी से जल्दी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रिलेशन के तुरंत बाद आपको किस करवट लेटना चाहिए या फिर कितनी देर तक लेटना चाहिए जिससे कि आपके कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड पे स्वागत है। अगर आप ट्विंस माई वर्ल्ड पे पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को देखें। जो भी वीडियोस और कंटेंट अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाने में बिल्कुल हेजिटेट मत करिए। और अगर आपने ऑलरेडी इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से थैंक यू सो मच। आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साथ ही साथ आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। बढ़ते अपने टॉपिक के ऊपर कि रिलेशन के कितने देर के बाद आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, कितने देर आपको लेटना चाहिए, किस करवट लेटना चाहिए, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने यह भी माना है कि क्या राइट साइड करवट लेटने से आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है या फिर लेफ्ट करवट आप लेटते हैं तो उससे आपको गर्ल की प्राप्ति होती है। तो इसके बारे में क्या सच्चाई है, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेशन प्लान करने से आपका कंसीव होगा ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि रिलेशन प्लान आपने किस वक्त पर किया है। महिला के शरीर में एक कंप्लीट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, यानी कि जब से उनका महीना स्टार्ट होता है तब से लेके जब दूसरा महीना शुरू होता है, तो वो जो भी टाइम पीरियड होता है, चाहे वो 28 से 30 दिन का टाइम पीरियड हो या फिर 30 से 35 दिन, 40 दिन, जो भी पीरियड की साइकिल होती है उसके अनुसार से महिला की रिप्रोडक्टिव जो साइकिल होती है वो तय होती है। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे डेज होते हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, और उसी फर्टाइल डेज में अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बनते हैं, नहीं तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो जब महिला के शरीर से धीरे धीरे करके एग मैच्योर होता है, मैच्योर होके पक्के जब वो बाहर निकलता है, उस दिन को हम लोग ओव्यूलेशन का दिन बोलते हैं, यानी कि उस दिन आपके शरीर से अंडा रिलीज होता है। वही वो समय होता है जिस समय अगर आप रिलेशन प्लान करके बच्चे को कंसीव कर सकते हैं। लेकिन कई बार मन में ये शंका आती है कि हमें रिलेशन उसी दिन प्लान करना चाहिए या फिर नहीं प्लान करना चाहिए। तो ऐसे केस में मैं बता दूं कि आपके बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो एक दो दिन पहले से ही खुलना शुरू होता है, जब से अंडा, जिस दिन आपका अंडा रिलीज होता है उसके दो दिन पहले से ये खुलना शुरू होता है, और दो दिन तीन दिन बाद तक भी वो खुला रहता है। लेकिन समस्या तब देखी जाती है कि अंडा सिर्फ एक दिन तक जीवित रहता है, लेकिन जो मेल के सेल्स होते हैं, जो पति के सेल होते हैं, उनमें ये क्षमता होती है कि वो तीन से चार दिन तक भी जीवित रहे। तो ऐसे केस में अगर आपके ओव्यूलेशन के दो दिन तीन दिन पहले से भी अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो जो मेल के सेल्स हैं वो उनको काफ़ी आसानी से अंडे के पास पहुंचने में मदद मिलती है, और जब भी एग रिलीज होता है, जब भी अंडा वहां से निकलता है, तब आपके कंसीव होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर उसके दो तीन दिन के बाद भी अगर आप रिलेशन प्लान कर रहे हैं तो भी आपके कंसीव होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट डे नहीं पता है कि किस दिन आपके शरीर से अंडा रिलीज हुआ है। रही बात ये सारी बातों को जानने के बाद, आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस टाइम पे आपको कितने देर लेटना चाहिए। तो देखिए, इसका लेटने का कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं होता है कि आप इतने देर लेटिएगा, आप 15 मिनट लेटिएगा या आधे घंटे लेटिएगा तो ही आपका कंसीव होगा। अगर जो मेल के सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी है और आपका एग का भी क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो उसी समय चांसेस ये बन सकते हैं कि आपका एग फर्टिलाइज हो जाए। क्योंकि जो मेल के सेल्स होते हैं उनको कुछ ही मिनटों का वक्त लगता है, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँ कि उनको कुछ ही सेकंड्स का वक्त लगता है जिस समय वो अंडे तक पहुँच के उसे फर्टिलाइज कर देते हैं। तो या तो आप आधे घंटे लेटिए या फिर 20 मिनट लेटिए, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये समस्या देखी जाती है कि उनके जो मेल के सेल्स होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसे केस में मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लेग अप द वॉल पोजिशन को ज़रूर ट्राई करिए। रिलेशन बनाते वक्त दो तकिए का ज़रूर प्रयोग करिए। साथ ही साथ उस समय आपको मेंस्ट्रुअल कप का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कैसे करना है
वो आपको एंड स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी, उसको आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि मेंस्ट्रुअल कप आपके इस प्रॉब्लम का कैसे समाधान निकाल सकती है, जिससे कि आप सारी बातों को समझ पाइएगा। रही बात, आप किसी भी करवट लेटते हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मिनटों का या फिर कुछ सेकंड्स का ही वक्त लगता है, जिस समय जो मेल के सेल्स होते हैं वो अंडाशय तक पहुँच के फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच के अंडे को फर्टिलाइज कर पाएँ। ये रही पूरी प्रोसेस, लेकिन बात तब आती है कि वो जो मेल के सेल्स होते हैं उनका पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आपके बच्चेदानी का मुंह खुला होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर वो राइट साइड की करवट की तरफ अगर लेटते हैं तो राइट साइड की करवट की तरफ लेटने से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण है ही नहीं। ऐसा होता तो पूरी दुनिया राइट ही साइड लेट लेट के उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई होती, या जिनको पुत्री चाहिए वो लेफ्ट साइड लेट के उनको पुत्री की प्राप्ति हो जाती। इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं तो आपको यही बोलूँगी कि किसी तरह के गलत इन्फॉर्मेशन के झांसे में आप मत पड़िए। जो बायोलॉजी है, जो साइंस है, उसके तरफ आपको समझना चाहिए कि ऐसा होता तो होता क्यों है। गर्ल और बॉय का इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी अगर कंसीव होनी होगी तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि महिला के शरीर से अच्छा अंडा रिलीज़ हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसकी साइज़ अच्छी है। अगर वो अपने पूरे साइज़ पर पका हुआ होगा तो ही उसका फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए, उनकी काउंट अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ उनकी मोबाइलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। वो मोबाइल होने चाहिए, तेज़ी से मूव करने वाले हो सकें, तो ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। लेकिन ये भी यहाँ तक कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि उसके बाद जब फर्टिलाइज जो एग होता है, अगर गर्भाशय में पूरी अच्छी तरह से जब वो सेटल्ड हो जाता है, आपके जो गर्भाशय की दीवार होती है, जो बच्चेदानी की जो परत होती है, वहाँ पर जब वो सेटल होता है, जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं, उसी इम्प्लांटेशन के टाइम पे ही आप अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव हुआ हुआ मान सकते हैं। उसके पहले आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी कंसीव नहीं होती है। तो गलत इन्फॉर्मेशन के बिल्कुल झांसे में मत पड़िए, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बस ये तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला तो एग का रिलीज होना, दूसरा अंडे की क्वालिटी अच्छी होना, तीसरा उसका अच्छी तरह से इम्प्लांटेशन होना। अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। मैंने सारी बातें डिटेल में आपको अच्छी तरह से समझाई है, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरह की डाउट होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपको अगर मन में डाउट लगती है इम्प्लांटेशन को लेके कि आखिर ये इम्प्लांटेशन क्या होता है और ऐसे कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, तो आपको इन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर क्लिक करके देखना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरह से मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना है, दूसरा मैंने बताया था कि ये इम्प्लांटेशन किस तरह से फेल हो सकता है, वो गलतियां आपको नहीं करनी है, तो ये दोनों वीडियो इस वीडियो को क्लिक करने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।